बादलों में जादुई दो केक का घर। सूरजपुर गांव में खुशबू अपनी माँ मधुबाला के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मधुबाला के ऊपर ही थी। घर चलाने के लिए मधुबाला ने अपने घर पर ही केक बनाने का काम शुरू कर दिया। मधुबाला को बहुत ही अच्छा केक बनाना आता था, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी जिससे वो शहर जाकर अपना खुद का एक बेकरी खोल उसमें केक बेच सके। वह घर पर ही लोगों के लिए बहुत ही कम दामों में केक बना दिया करती थी और उसी से किसी तरह से उनके घर का गुजारा चलता था। खुशबू अभी स्कूल में पढ़ रही थी। खुशबू पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह हर बार अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अचानक मधुबाला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी वह केक बना रही थी। यह देखकर खुशबू अपनी माँ से बोली, माँ आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है, चलो अब बहुत हुआ, अब आप घर में जाकर आराम करो। नहीं बेटी, मुझे यह केक आज ही तैयार करना है, वरना इसके पैसे नहीं मिलेंगे। तुम चिंता मत करो, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, बस ये तो सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो भरनी है, तुम तो जानती हो बेटी, ये केक बनाना ही हमारे कमाई का एकमात्र जरिया है। यह कहते हुए मधुबाला जोर जोर से खांसने लगी। माँ आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने आपसे थोड़े बहुत केक बनाने सीखे हैं, अब आप जाकर आराम करिए, बचे हुए काम मैं कर दूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारी परीक्षा भी शुरू होने वाली है, तुम उसकी तैयारी करो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी आए। माँ अभी परीक्षा शुरू होने में काफी समय है, मैं पढ़ाई भी कर लूँगी साथ में काम भी। मेरी प्यारी माँ अब आप टेंशन मत लो, आप दवाई खाकर आराम करो। लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे तू जैसी बेटी मिली है। बेटी कल सेठानी की बेटी का जन्मदिन है, उन्हें ये केक आज ही बना कर देना है, क्या तुम बना पाओगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो, समझ लो केक बन गया, बाकी कोई कमी आएगी तो मैं आपसे पूछ लूँगी। मधुबाला दवाई खाकर कुछ देर के लिए आराम करने चली जाती है। खुशबू बहुत ही लगन से केक बनाने लगती है। आखिरकार काफी मेहनत के बाद खुशबू ने एक बहुत ही सुंदर केक बनाकर तैयार कर दिया। जब शाम को सेठानी अपनी बेटी के लिए केक लेने आई, अरे वाह कितना सुंदर केक बना है। अरे खुशबू तुम्हारी माँ के हाथ में तो जैसे जादू है, मैंने इतना सुंदर और डिजाइनर केक तो सिर्फ शहर के बड़े बड़े बेकरी में ही देखी है। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, ये केक मैंने नहीं बल्कि मेरी प्यारी बेटिया खुशबू ने बनाया है। तुम्हारी बेटी ने वाकई बहुत ही सुंदर केक बनाया है, ये लो केक के पैसे। ये बोलकर सेठानी वहाँ से चली गई, लेकिन उसी दिन से खुशबू द्वारा बनाए हुए केक की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव के सभी लोग अब खुशबू से ही अपना केक बनवाने लगे। खुशबू अब दिन में स्कूल जाया करती और देर रात तक सुंदर सुंदर केक बनाती। केक बनाकर उसे जो भी पैसे मिलते खुशबू उससे अपनी माँ की दवाई लाती, लेकिन उसकी माँ की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन मधुबाला अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम दिन रात इतनी मेहनत करती हो, पढ़ाई के साथ साथ सुंदर सुंदर केक भी बनाती हो, और जो भी कमाती हो वो मेरी दवाई में खर्च कर देती हो, लेकिन बेटी अब मुझे लगता है मेरा लास्ट समय आ गया है। माँ मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो,
आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी ही आपको शहर के अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी और देखना आप जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं मेरी बच्ची, मेरा अंत समय आ गया है। अब तुम अपना ख्याल रखना, तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की। इतना कहकर मधुबाला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह देखकर खुशबू फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पहले पिताजी चले गए और अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं अकेले स्टूडियो में क्या करूँगी? माँ वापस आ जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ, माँ उठो माँ। यह कहते हुए खुशबू रो रही थी, लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सका है, वो तो होकर रहता है। माँ के गुजर जाने के बाद खुशबू बिल्कुल अकेली हो गई। कुछ दिन बीत जाने के बाद खुशबू ने फिर से अपने आप को संभाला और वह पहले की तरह स्कूल जाने लगी। जब खुशबू स्कूल में पहुंची तो उसे पता चला कि परीक्षा शुरू होने से पहले सभी बच्चों को फीस जमा करनी होगी, नहीं तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर खुशबू सोच में पड़ गई। लगता है इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊंगी। थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खर्च हो गए। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं स्कूल की फीस भर सकूं। वो ये सोच ही रही थी तभी कोकिला नाम की एक धनवान औरत उसके घर आई और उससे बोली, मैं शहर से आई हूँ, मेरा नाम कोकिला है। मैंने तुम्हारे द्वारा बनाए गए केक की खूब चर्चा सुनी है कि तुम बहुत ही सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट केक बनाती हो। शहर में मेरे केक की एक बहुत बड़ी बेकरी है, क्या तुम मेरे लिए केक बनाओगी? पैसों की चिंता मत करना, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी कीमत दूंगी। ऐसा करो, तब तक तुम मुझे ट्रायल के लिए एक हफ्ते में 100 केक तैयार कर दे दो। मैम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपको इतने अच्छे और स्वादिष्ट केक बनाकर दूंगी कि आपके दुकान के बाहर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। गुड, अब मैं चलती हूँ, एक हफ्ते बाद पेमेंट के साथ केक लेने आऊंगी। यह सुनकर खुशबू बहुत ही खुश हो जाती है। मेरा एग्जाम भी एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है, तब तक मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं भी एग्जाम दे पाऊंगी। खुशबू दिन रात मेहनत करके 100 केक तैयार करती है। खुशबू बहुत ही खुश थी। आज कोकिला मैडम तो मेरे केक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और मुझे इसके अच्छे पैसे भी देगी। लेकिन बदकिस्मती से खुशबू जब कुछ काम से घर से बाहर जाती है तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से उसके घर में आग लग जाती है और उसका सारा केक जलकर राख हो जाता है। जब खुशबू लौटकर वापस आती है तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया, मेरे घर में आग कैसे लग गई? इतनी मेहनत से बनाए गए मेरे सारे केक जल गए, अब मैं कोकिला मैडम को क्या जवाब दूंगी? उसी दिन कोकिला खुशबू से अपने दिए ऑर्डर लेने आई। खुशबू ने रोते हुए कोकिला मैडम को सारी बातें बताई, लेकिन कोकिला ये सब सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। वाह क्या अच्छा बहाना बनाया है, देखो तुमने मुझसे वादा किया था, अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कैसे भी केक बना कर दो। अगर तुमने मुझे केक लाकर नहीं दिया फिर मैं अपने कस्टमर को क्या जवाब दूंगी? मैं उनसे एडवांस में पैसे भी ले चुकी हूँ। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं अपना लाखों का नुकसान नहीं सह सकती, तुम मुझे अभी के अभी 100 केक बना कर दो वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम मुझे जानती नहीं हो, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है, मुझसे चालाकी करने की तो सोचना भी मत। चलो मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देती हूँ, 2 दिन के अंदर सारे केक बन जाने चाहिए। भोली भाली खुशबू कोकिला की बातों से बहुत ही डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 दिन के अंदर इतने सारे केक बनाकर वो कैसे दे। यही सब सोचते सोचते खुशबू नदी के किनारे पहुँच गई
वहाँ उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो कि सीधा बादलों में जा रही थी। अरे ये सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई यहाँ पर? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। खुशबू उन सीढ़ियों पर चढ़ गई, तभी वह बादलों में पहुँच गई। वहाँ उसे दो केक का घर दिखाई दिया जिसे देखकर वह चौंक गई। तभी पहले केक घर में से आवाज आती है, खुशबू तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो यहाँ तुम्हें बहुत सारे धन दौलत मिलेंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। खुशबू तुम्हें मेरे घर में उतना ही मिलेगा जितने की तुम्हारी जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। खुशबू ने कुछ देर सोचकर कहा, हे जादुई केक के घर, मुझे ज्यादा धन नहीं चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, कभी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए मुझे अभी जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसलिए मैं दूसरे जादुई केक के घर में जाना चाहती हूँ। उसके बाद खुशबू जैसे ही दूसरे जादुई केक के घर में गई, उसे घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना, चांदी और खूब सारे केक दिखाई दिए। यह सब देखकर खुशबू हैरानी से बोली, जादुई केक के घर? आपने तो कहा था इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा सोना चांदी है। खुशबू मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम कोई लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम जो भी कुछ यहाँ से ले जाना चाहती हो ले जा सकती हो। जादुई केक के घर की बात को सुनकर खुशबू बहुत ही खुश होती है और जादुई केक के घर का धन्यवाद कर वहाँ से ढेर सारे सुंदर सुंदर केक और पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर आकर खुशबू ने कोकिला को उसके पूरे 100 केक दे दिए और स्कूल की फीस भी जमा कर दी, और स्कूल की फीस जमा कर परीक्षा में भी बैठ गई। और हर बार की तरह इस बार भी खुशबू ने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया। खुशबू ने पढ़ाई के साथ साथ उन पैसों से खुद का अपना एक बेकरी भी खोला और खुशी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।